दोस्तों, हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड के न्यू लोगो के बारे में जानेंगे। ये है आपका झारखंड का न्यू लोगो। झारखंड का नया लोगो 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज चिन्ह का अनावरण किया गया। साथ ही यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। इस नए प्रतीक राज चिन्ह में हमारे झारखंड राज्य की छवि को दर्शाया गया है। झारखंड के नए लोगों में कुछ इस प्रकार बदलाव किए गए। झारखंड के नए प्रतीक राज चिन्ह की जानकारी। फर्स्ट, नया प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। सेकंड, प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार में हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन सभ्यता को प्रतिबिंबित करता है। थर्ड, सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। फोर्थ, दूसरे वृत्ताखंड के बीच 24 हाथी को दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है और यह झारखंड के राजकीय पशु का भी झलक प्रदान करता है। फिफ्थ, तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 पलाश के फूलों को दर्शाया गया है। पलाश के फूल राज्य के राजकीय पुष्प होने के साथ साथ राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। सिक्स, चौथे वृत्ताकार खंड के बीच सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। सेवंथ, अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। एट, राज चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमि को दर्शाता है। नाइन्थ, यह झारखंड के का यह लोगो बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार हम झारखंड के लोगों के बारे में हमें जानकारी हो रही है इस वीडियो से, और आई होप कि ये आपकी कॉम्पिटिटिव किसी भी झारखंड के एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। थैंक यू।